देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। चितरंगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर प्रदेश में उनके विचारों एवं सिद्धांतों को एक प्रचार के माध्यम से अभिनव व सीडी को गांव-गांव में दिखाकर आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। गांधी जी ने बिना अस्त्र शस्त्र के देश को आज़ाद कराया, सत्य अहिंसा के पुजारी के पदचिन्हों पर चलकर अपने जीवन को उज्ज्वल बनाने का प्रयास प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। पचासवीं जयंती पे आप जो ये अभिनय दिखा रहे हैं, ये किस उद्देश्य से? ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 से 2 अक्टूबर 2020 तक के लिए यात्रा निकली है। और ये यात्रा सरकार का उद्देश्य है कि हर गांव, हर गली, हर चौराहे, हर जगह पहुंचे। महात्मा गांधी जी जैसा हमेशा कहते रहे कि हमें सत्य, अहिंसा, अपना काम करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो हम उन्हीं के विचारों को साझा कर रहे हैं। हमारे साथ एक डिवीजन है, एलईडी है, हम इसके माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनके विचारों को पहुंचा रहे हैं। और गांव में हमारा ये कार्यक्रम करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि गांधी जी हमेशा कहते रहे कि हमें यात्राई साम्राज्यवादी विरोध नहीं चाहिए, हमें गाँव चाहिए जहाँ लोक संस्कृति हो, लोक गीत हो, आपस में लोग मिलजुल कर रहते हों। हम यही चाहते हैं कि उनके विचारों को लोगों तक साझा करें, जिससे लोग आज थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि जन जन तक पहुँचे। किसी एनजीओ के नहीं, ये पूरा मध्य प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है, किसी एनजीओ का कार्यक्रम नहीं है, सरकार ही हायर करती है सबको। हमारी यही कोशिश है कि हम जिस जगह जाएँ, जो वहाँ के कलाकार हैं, जो नाटक करते हों, लोक कलाकार हों, हायर करें, वही कार्यक्रम करें। और हम इस यात्रा के दौरान लोक कलाकारों को भी ढूंढते हैं, अगर कोई अच्छा गाता बजाता है तो हम उसे मंच भी देंगे, हम उनकी लिस्टिंग भी करते हैं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अपन खादी के धोती पहनने वाला ये सब कार्यक्रम चलावत रहे, अपने भारत का आजाद करावे, माँ बहुत बड़ी भूमिका निभाई। खबर समय जगत के लिए चितरंगी से रजनीश साहू की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।